अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद महर फातिमा। इमली की खट्टी मीठी चटनी बना लेंगे। उसके लिए हमने ले लिया है 25 ग्राम इमली। उसके लिए हम एक गिलास पानी डालेंगे इमली में और इसे 10 मिनट तक के भीगने के लिए इमली को रख देंगे। हो चुका है, अब हम इसे पका लेंगे। हमें जब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। खट्टी मीठी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे बड़े में हम ऐसे बहुत लोगों को खट्टी मीठी चटनी बड़े के साथ भी अच्छी लगती है, समोसे के साथ में। आप इसे बना के 1 से 2 हफ्ते तक के स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं। 5 मिनट के बाद ये इस तरीके से पकना शुरू हो चुका है। अब ये गाढ़ा होते जाएगा। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रख देना है और इसे पकने देना है, देखिए अच्छे से फूल ना जाए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे।